हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कच्ची कैरी का पापड़। तो चलिए इसे बनाते हैं। हमने यहाँ आधा किलो कैरी ली है, इसको छील कर हमने टुकड़े कर लिए हैं। अब इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लें। हमने इसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाकर इसको एक साइड पे रख लें। अब एक पैन में 1 टेबल स्पून घी डालें, या आप क्लारीफाइड बटर भी डाल सकते हैं। घी गर्म होने के बाद इसमें पिसा हुआ पेस्ट डालें। अब इसमें 250 ग्राम शक्कर ऐड करें, 1 टीस्पून काला नमक, 2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालें, नमक 1 टीस्पून डालें। अब इसको मिक्स कर लें। दस मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। थोड़ा पानी डालकर इसमें मिक्स कर लें। अब हम इसमें ग्रीन फूड कलर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको लो फ्लेम पर 15 मिनट पकाएं। इसको कुछ देर के बाद हिलाते रहें। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। अब हम कैरी के पापड़ का मिक्सचर हम एक खुली प्लेट में डालेंगे। डालकर इसको फैला लें। इसको 2 दिन तक धूप में सुखा लें। अब हम इसको कट कर लेंगे। हमने यहाँ इसके रोल्स बनाए हैं, आप चाहे तो पीसेस में भी काट कर इसको खा सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है, आप इसे 1 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके खा सकते हैं। ये हमने एक और पापड़ बना लिया था पहले ही, जिसकी थिकनेस थोड़ी पतली है। कैरी से बनने वाली ये आसान और मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।